हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम बैक विद द टॉपिक यू मोस्ट वांटेड। सबसे ज्यादा टॉपिक जो आप चाहते थे वो टॉपिक को लेकर आ गया हूँ कि क्या आम खाना सही है, और अगर सही है तो कितने आम खाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने कई बार मुझसे पर्सनली भी पूछा है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, हमारे ब्रांचेस पे आते वहां पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्सएप पे पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आम खाना सही है या नहीं सही है। सीजनल फ्रूट हमेशा खाइए, इसका सिंपल सा जवाब है। कितने आम खाना है, कितना खा सकते हो, सब बताऊंगा, और किसको आम अवॉइड करना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखिए, आम के अंदर फाइबर्स होता है, विटामिन ए सी और के भी होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जो आपके बॉडी के सिस्टम्स को चलाने के लिए और साथ ही साथ आपके स्किन में ग्लो देने के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो बीएमआर स्ट्रांग है, और अगर बीएमआर अच्छा चल रहा है तो आप वेट गेन नहीं करेंगे। तो अगर आपको फैट लॉस करना, देखिए कुछ चीजें आम खाते वक्त ध्यान रखने वाली है, वो क्या है जो हम सभी लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो को देखिए। सिर्फ आम खाना है नहीं खाना है इसका जवाब नहीं देने वाला हूं, आपको पूरा समझाने वाला हूं। जो भी सीजनल फ्रूट्स भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं मौसम के अनुसार। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आम खाने से अति सर्वत्र वर्जित, याद है जरूरत से ज्यादा हर चीज खराब होती है। आम जो है वो आपकी बॉडी में पॉजिटिवली वर्क करता है जब आप उसे एक या दो खाते हैं। 300 से 500 ग्राम आम आप रोज खा सकते हैं। कब खाना है, मॉर्निंग के वक्त में या फिर आफ्टरनून के टाइम में, रात के वक्त में आम मत खाइए, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आम के अंदर फाइबर होते हैं, और सबसे ज्यादा फाइबर आम के छिलके में होते हैं। पर आम के छिलके को इस कोविड के वक्त में आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। हमेशा आम को बहुत अच्छे से साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो आम के छिलके को क्लीन कीजिए, और आम के छिलके ऑब्वियसली टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, पर आम के छिलके को जब आप खाते हैं तो ये आपके फाइबर का काम करता है। आपके बॉडी में जो फाइबर की जरूरत होती है, बॉडी में तो नहीं बोल सकते, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो फाइबर की जरूरत होती है वो फाइबर आपको मिलता है। तो अगली बार जब आप आम खाएं तो ध्यान रखिए कि उसको छिलके के साथ में खाइए, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैंने कहा था आम किसे नहीं खाना है, जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो लोग हमेशा आम खाते वक्त ध्यान रखें कि उनका इंसुलिन कितना है और उनकी बॉडी में शुगर लेवल कितना है। ये जब आम खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस लीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना है, अपने आप से प्यार, अपने देश से प्यार, मुस्कुराना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।